बाइक पसंद नहीं आई तो दूल्हे ने शादी से किया इनकार, लड़की वालों ने दूल्हे का किया ये हाल। लखनऊ के खुर्रम नगर में 21 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों में शादी का जश्न था, सभी लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। वहीं जब बारात घर पहुंची तो लड़की वालों ने सारी रस्में पूरी कर स्वागत और सत्कार किया, लेकिन दूल्हे को दहेज की बाइक पसंद नहीं आई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। लड़की वालों ने लड़के और उसके घर वालों से खूब मान मनोवल की, लेकिन वह निकाह करने को तैयार नहीं हुए। ज्यादा खुशामद की तो उन्होंने 4 तोले सोने की मांग और बढ़ा दी, और दूल्हा और उसके घर वालों ने कहा कि पल्सर नहीं, मुझे अपाचे बाइक चाहिए। काफी मनाने के बाद जब दूल्हा नहीं माना तो लड़की के घर वालों ने दहेज लोभियों को बंधक बनाकर दूल्हे समेत 4 लोगों को सिर गंजा कर दिया। मामला बढ़ता देख दूल्हे के पक्ष ने 100 नंबर डायल कर दिया। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और बंधक बनाए गए लोगों को इंदिरा नगर थाने ले गई। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि वह मूल रूप से बाराबंकी के रहने वाले हैं, सब्जियां बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं। जियाउल हक पाक के पास कच्चा घर बनाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। बेटी का रिश्ता बाराबंकी के धौकलपुरवा के रहने वाले अब्दुल कलाम से तय हुआ था। 1 महीने पहले मंगनी हुई थी निकाह के लिए। अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज का सामान जुटाया था, लेकिन निकाह से 7 दिन पहले लड़के वालों ने मांग बढ़ानी शुरू कर दी थी, इसलिए मजबूरी में हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। वही लड़की का कहना है कि अच्छा है कि पहले पता चल गया, ऐसे दहेज के लोभी लोगों से मुझे निकाह नहीं करना है।